इंसान के लिए सर्दी खांसी ऐसी बीमारी है, इन बीमारियों के सिम्टम्स तुरंत देखने को भी मिल जाते हैं और डॉक्टर से विजिट के बाद दवाइयां लेकर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आज भी मेंटल हेल्थ को बेहद लाइटली लिया जाता है। नमस्कार, आप JK247 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, आपके साथ मैं पूजा पांडे। अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर अमेरिका में हुए एक हॉट एयर बैलून दुर्घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि इस एक्सीडेंट में 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो शख्स हॉट एयर बैलून उड़ा रहा था वो डिप्रेशन का शिकार था। ये एक्सीडेंट 6 साल पहले हुआ था, यानी 30 जुलाई 2016 को ये दुर्घटना हुई थी। इसमें बैलून में सवार 15 यात्री और पायलट समेत 16 लोग मौजूद थे, सभी की इसमें जलकर मौत हो गई थी। बाद में जब इस दुर्घटना की जांच की गई तो पता चला कि पायलट डिप्रेशन का मरीज था। उसकी हालत उस दिन इस लायक नहीं थी कि उसे बैलून उड़ाने की परमिशन दी जाए, लेकिन लोगों के लिए मेंटल बीमारी अहम नहीं होती, इस वजह से उसे बैलून उड़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई और सबकी मौत हो गई। हालांकि 15 यात्रियों के साथ पायलट ने इस उड़ान को शुरू भी किया था, इसके बाद जाने उसका क्या मन हुआ कि उसने बैलून को मैदान के पास लगे हाई वोल्टेज तारों के पास उड़ाना शुरू कर दिया था या फिर हवा के दबाव से ऐसा हुआ, ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अचानक ही बैलून इन तारों के चपेट में आ गया और उसमें आग लग गई। इसे अभी तक हॉट एयर बैलून एक्सीडेंट में दूसरे वर्स्ट केस में भी गिना जाता है। जानकारी के मुताबिक हार्ट ऑफ टेक्सास बैलून राइड की ये उड़ान 6:58 में शुरू हुई थी। इसके बाद 7:42 में ये तार की चपेट में आ गया और सिर्फ 2 मिनट बाद ही वहां मदद के लिए लोग आ गए, लेकिन इस 2 मिनट में ही सारे लोग जलकर मर गए। बाद में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने इस मामले की जांच की। इसमें सामने आया कि पायलट डिप्रेशन में था और इसकी कुछ दवाइयां भी खा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है ये दवाइयां ही इस एक्सीडेंट की वजह बनी। वजह जो भी रही, इसमें 16 लोग मारे गए और लंबे समय के लिए लोगों के जहन में ये दर्दनाक घटना छप गई। दरअसल हमें समझना चाहिए कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को अंदर ही अंदर मार देती है। लोगों को वो इंसान भले ही हंसता खेलता नजर आए, लेकिन उसके अंदर सुनामी आई हुई रहती है जो उसे कचौटती और परेशान करती रहती है। यही वजह है कि हर एक दूसरा इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।